छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अभी क्या चल रहा है आजकल? बस यार क्या सुनाऊं, परेशान चल रहे हैं। परेशान तो सभी चल रहे हैं, नेहा गया इसमें, वो बता। नहीं यार तू नहीं समझ रहा, कल रिजल्ट है हमारा। तो तुम लोगों ने तो फेल ही होना है, और पास हो भी गए तो कौन सा तीर मार लोगे। तू समझ नहीं रहा यार, अब्बा जान से मार देंगे अगर फेल हो गए तो। हाँ तो मैं काम करता हूँ तुम लोग के लिए, मैं किसी एनी सेंटर में बात कर लेता हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है? क्यों भाई क्यों? यार देखो तुम लोगों ने पास तो होना नहीं, क्योंकि चांस ही नहीं तुम लोग के पास होने का। अब अम्मा अब्बा ने धक्के मार के मार पीट के तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तो कहाँ जाओगे? चले जाना एनी सेंटर में। लड्डू कुछ कर यार, कुछ ऐसा करके बस घर वाले खुश हो जाएं। हाँ तो मेरे पास कौन सा जादू का चरा आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? देख सब जानते हैं दो नंबर कामों में तेरे से बेहतर कोई नहीं है। अबे क्या मतलब है तुम लोगों का? मतलब तू और किसी काम का है ही नहीं। सही बात, एक काम बोला और वो भी नहीं हो सकता। चुप कर, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, फोन पे फोन आ रहा है मेरा। चलो रहने दो, पढ़ लिख के क्या करोगे, मैं भी यही हूँ तू भी यही है। यार मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ तो बोलो ना। यार असल में ना हमारे कल एग्जाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ पापा ने पहले ही कह दिया इस बार फेल हुई तो शादी करवा दूंगा। ये तो उससे भी अच्छी बात है, मतलब मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और डांस करूंगी। यार हनी तुम नहीं समझ रही हो, हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसी अच्छी नहीं होती है। ये बात तो ना तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अब मतलब की बात बताओ कि मसला क्या है? यार वो तुम्हारे तारा बाबा है ना, उनसे बोल कर ना कुछ मंत्र वंत्र करा दो ताकि हम दोनों पास हो जाए। अब ये क्या बोल रही हो, मतलब मैं तारा बाबा का कहाँ पता करूंगी, और वैसे भी मामा भी पाकिस्तान में नहीं है। हाँ यार प्लीज ये काम करवा दो ना, प्लीज। यार प्लीज कुछ करवा दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ, पहले तारा बाबा मिल तो जाए। क्या तारा बाबा कहीं खो गए हैं? अरे भाई मेरा मतलब है कभी वो चांद पर होते हैं और कभी मरीख पे होते हैं। वो तो मेरे पापा भी होते हैं, वो चांद पे होते हैं, वो पायलट हैं। क्या क्या क्या? जी नहीं वो वैसे वाले नहीं होते, मतलब ये ना असली वाले होते हैं। यार वैसे सोचने की बात है, जो बंदा मरीख पर जा सकता है क्या वो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं करवा सकता? क्यों नहीं करवा सकता, बिल्कुल करवा सकता है। तो प्लीज फिर उनको जल्दी से ढूंढो और हमें मिलने जाना है उनको। अच्छा 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 ठीक है मैं बात करती हूँ। भाई तानी बेगम का उस दिन फोन आया था मेरे पास, कह रही थी कि इस सारे घर की जिम्मेदारी अब खाला बर्फी पर है, तो खाला आज मैं जरा जल्दी में भी और थोड़ा परेशान भी हूँ। बर्फी खाला पैसे ले आऊं अंदर से मैं। फिर बीच में बोले तुम, कितनी बार कहा है कि तारा बाबा आया करे तो बीच में नहीं बोला करो तुम। बीच में कहाँ बोल रहा हूँ, साइड में बैठ के बोल रहा हूँ। बड़ा मस्करापन सूझ रहा है, सारे काम हो गए घर के? अरे घरेलू मसले बाद में निपटाइएगा, पहले मेरी एक बात गौर से सुने आप। जी बोलिए। भाई वो इमरजेंसी में मुझे मरीख जाना पड़ रहा है, इस दफा फ्यूल चार्जेस ज्यादा होंगे। क्यों भाई? वो पेट्रोल की बंदिश चल रही है ना मरीख में। मैं देती हूँ। वैसे अपने तारा बाबा, ये आपकी साइकिल पेट्रोल से चलती है या LPG से? ये हवा का गुस्सा बड़ा टाइट है। अब 6 डिग्री ज्यादा है तानी से। क्या बात कर रहे हो? तारीफ कर रहे हैं आपकी। चलो दो। तारा बाबा मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी काम है। बोलो बच्चा मुझसे क्या काम है? वो मेरी ना कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका ना कल रिजल्ट आ रहा है, आप ना उनको पास करवा दें। ये तारा बाबा हैं, कोई मुशीर तालीम नहीं है। बच्चा अभी तो मैं जरा इमरजेंसी में मरीख जा रहा हूँ, जब आऊंगा तो कुछ कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सहेलियों में कोई अच्छी सहेली भी है? जी मेरा मतलब था कि काबिलियत है उनमें कि नहीं है। अगर उनमें काबिलियत होती तो पास करवाने के लिए आपसे कहती। ये भी बात है। अच्छा बच्चा मैं वापस आता हूँ तो मैं कुछ करता हूँ। वैसे ये कोई अच्छी बात नहीं है, जिसे नहीं पढ़ा ना उसे फेल ही हो जाना चाहिए। हाँ देखो मैंने नहीं पढ़ा, यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, फेल हुआ हुआ। क्या बाबा मेरी फ्रेंड्स ने मुझे पहली मरता कोई काम कहा था और मैंने उनका काम नहीं किया, मतलब मेरी तो बेइज्जती हो गई। नमुना मैं कर दूंगा। सही कहा, दो नंबर के काम के लिए दो नंबर के खानदान का आदमी चाहिए होता है ना। तुम कैसे करोगे? परवी खाला वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें शायद पैसे लगेंगे, है ना लड्डू? जाहिर सी बात है ससुर जी पैसे तो लगेंगे ना। कितने लगेंगे?
वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? कहाँ जा रहा है, बर्तन धोने? अरे ससुर जी, हनी का काम करना जरूरी है, बस वही करने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। ओ भाई, ओ, 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 ओ। काम करके आना। आप उठे जाके बर्तन धोए, चले जाए। हाँ मैं ठीक है। माशाल्लाह, मेरा काम नहीं हुआ। अरे परेशान क्यों हो रही हो, गया तो है लड्डू। जाफर, ओ बंगाली। कौन बंगाली? अरे हमारा पूरा नाम लो, उस्ताद जफर बंगाली। क्योंकि हमारा पान का खोका बंद हो गया पाबंदी की वजह से, अब हम सिर्फ उस्ताद जफर बंगाली जादू टोने वाला है। मुझे काम करवाना है, मेरा वो काम तो कर देगा ना? तुम पता नहीं कौन सा काम बोलेगा। तो वैसे ये बताओ कि किसको कदमों में लाना है? अरे नहीं नहीं, किसी को कदमों में नहीं लेकर आना। फिर क्या किसी में फड्डा वड्डा कराना है? नहीं। फिर क्या काम है? इधर आ, मैं बताता हूँ। समझ आया? माफ कर दो, हमसे ये काम नहीं होगा, हम जो रहा है। अबे रुक तो सही, मेरे पास एक तरकीब है। जब तुम्हारे अपने पास तरकीब है तो बिला वजह हमको क्यों ठोका रहा है? अरे यार जाफर बंगाली भाई, नहीं उस्ताद जाफर बंगाली भाई, मुझे तुम्हारी जरूरत है ना? अरे क्या बोल रहा है, पहला आदमी मिला है जिंदगी में जिसको जाफर बंगाली की जरूरत पड़ गया है। बोलो क्या काम है? बस तुम जल्दी से जाओ और प्रोफेसर बनकर वापस आ जाओ। अरे किसा बात कर रहा है, हम जादू टोने वाला उस्ताद है, कोई पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, बस तुम जाओ और कोट पहनकर आ जाओ, बस लगना चाहिए कि तुम प्रोफेसर हो। ठीक है, हम जो होता है और अपना शादी वाला कोट पहन के आ जाता है। अरे नहीं शादी वाला नहीं। अरे के पागल हो गया है, हमने एक ही कोट बनवाया है वो भी शादी पे, वही हमने तो लॉक पे पहना था, वही मौत मट्टी में पहन के जाता है। अच्छा ठीक है, जो भी है जल्दी से जाओ और पहन कर आ जाओ। अभी हम गया और पूरे आधे घंटे में आया। आधे घंटे में नहीं, जल्दी आना। अरे जल्दी नहीं आ सकता है, कोट छीना है, बगल से पटा हुआ है। अरे जाओ। ये क्या कर दिया? अरे कैसा बात कर रहा है, एकदम फिट कोट है, आज भी हमको फिट है। अरे भाई मैं कोट की बात नहीं कर रहा। अरे किसका बात कर रहा है फिर, कोट के साथ तो टाई फ्री आता है, ये लगा के आ गया? अबे ये धोती पहनकर क्यों आ गया? अरे कैसा बात कर रहा है, तुमने हमको बोला कोट पहन के आओ, पैंट का बोला ही नहीं था, और धोती तो हमारा कोमी लिबास है। सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। मेरी गलती है, मुझे अपने आप को मारना चाहिए, मुझे तुझे बताना चाहिए था कि कोट के साथ पैंट पहनते धोती नहीं पहननी थी। अरे तुम फिक्र ना करो, हम है ना, हम धोती समेट के बैठ जाएगा, बड़ी पैंट बन जाएगी वो। अरे कोट, अबे ओ भाई बात सुन, ये कौन सी मखलूक घूम रही है यार यहाँ पे? अरे नहीं ससुर जी, ये कोई आम मखलूक नहीं है, ये बंगाल के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जाफर बंगाली। प्रोफेसर? अबे शक्ल से तो चूरन वाला लग रहा है यार। अरे चूरन तो भाई साहब हम पहले बेचते था, और जिस स्कूल के सामने बेचता था ना, बाद में उसी स्कूल में दाखला ले लिया, फिर हम प्रोफेसर बन गया। अरे अल्लाह की शान देखो भाई, अबे ये भी प्रोफेसर हो गए? अरे कौन है बुढ़ा, सारी मोती यही करेगा या हमको अंदर भी लेके चलेगा? तो भाई अंदर गंद नहीं कर देना यार, कोई बहुत हो गया, बहुत हो गया, हमारा बेइज्जती बहुत हो गया, हम जो रहा है सैलाब में जाना, अभी रुको। अरे क्या कह रहे हो ससुर जी, अगर ये चला गया ना तो हनी का काम नहीं होगा और सारा नजला हम पे गिरेगा। अरे नहीं भाई, नहीं हो भाई, अंदर लेके जाए इसको भाई, जल्दी लेके जाए अंदर, जल्दी से जाओ। चलो चलो, मैं बाजार से जरा सौदा लेके आ जाऊँ। ठीक है, चलो जाओ जाओ। अरे एक बात बताएगा, मोतीचूर के लड्डू? मोतीचूर का लड्डू नहीं, सिर्फ लड्डू। अच्छा ये बताओ, सिर्फ लड्डू
करो, वो काम तो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, मेरी बात हो गई है, अब बार बार इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे दोस्त खड़े हैं। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ मुझे भी लगता है मैंने भी आपको कहीं देखा है। बात बताओ, तुम सिगरेट पीते है? नहीं। तुम पान खाता है? नहीं। फिर तुम लोगों ने हमको नहीं देखा होगा? अरे यार तुम लोगों ने कैसे देखा होगा, ये तो बंगाल में होते इत्तेफाक से पाकिस्तान आ गए। आप किस चीज के प्रोफेसर हैं? हम घरेलू झगड़े निपटाने का, बंदिशों का, जादू के तोड़ का। हैं? मतलब? इनका मतलब है कि एक साइंस होती है जिसका नाम है परेशान साइंस। इसमें इन्होंने पीएचडी किया हुआ है, उसमें होती है बंदिशें, उनको तोड़ना होता है। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोगों को काम क्या है? हाँ प्रोफेसर साहब मैं बताता हूँ, इन लोगों को डर है ये एग्जाम से फेल हो जाएंगे, इनकी मदद करें। पढ़ा नहीं था क्या? नहीं नहीं। पागल आदमी, पढ़ता वढ़ता है नहीं, जोली पास होना चाह रहा है। अरे भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हैं, हमारा काम खराब हो जाएगा? कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। इन सबसे नाम पते पूछो और इनका नंबर लिखो। अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो ये काम मैं खुद ही नहीं कर लेता, ये काम तो आप खुद करेंगे। मैं इन लोगों से पैसे जमा करता हूँ, लाओ जल्दी जल्दी पैसे दो। अरे हमारे को तो देगा, हमारे पीछे क्या है? छोड़ी याद है तुम्हारे को, बल्कि दे दो बाद में लेना, ठीक है? ये तुम देखो, मैं संभाल चलो। अरे ना चाय पूछ रहा है ना पानी पीछ रहा है, पैसे भी लेके भोग गया। अरे बात सुनो, चलो उसका मोबाइल तो है, जब तक हिसाब नहीं होता हम मोबाइल इसका अपने पास रखते हैं। आप सर जी हमारा काम तो हो जाएगा ना? अरे काम हो गया समझो, अगली क्लास में दाखिले का तैयारी करो। असल में ना मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की, इसलिए मैं ज्यादा परेशान हूँ। अरे तो आजकल के दौर में पढ़ कौन सा बच्चा बच्ची रहा है, अरे सब तो टच मोबाइल में लगा हुआ, पढ़ता कौन है? मेरी एक और फ्रेंड भी है, प्लीज उसका भी कुछ करा देना, मैं सारी डिटेल्स दे दूंगी आपको। और नहीं दो लेकर आओ, दो पे एक फ्री है, तुम फ्री पड़ेगा। ये कौन है और यहाँ क्या हो रहा है? अरे बर्फी खाला, वो वाला काम। कौन सा काम? जी खाला वो पास करवाने वाला काम, वो ना ये करवा रहे पर इस चूरन बेचने वाले से। हमारा इतना बिजनेसी कर रहा है ये? अरे हम के शक्ल से चूरन बेचने वाला हमारा खट्टा शक्ल है क्या? अरे नहीं खाला, ये बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो भी बंगाल के प्रोफेसर, और ये मुझे तो शक्ल से ही मछली बेचने वाला लग रहा है, और वो भी सड़ी हुई। अच्छा अच्छा खाला आप एक काम कीजिए, उठिए और जाके अंदर जाइए, मैं आ रही हूँ। उठे ना, अरे खाला उठे ना, जाए ना। अरे मैं तो जा रही हूँ, कुछ भी करते फिर हो तुम लोग। तुम हमारा दोस्त नहीं होता, इतना बिजनेसी पे हम उठ के चला जाना था। अच्छा अच्छा हम ना उनकी तरफ से आपसे सॉरी करते हैं। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है अब हम जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, बस हमारा काम करवा दिएगा। आप जाओ ना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरा काम कर देगा बस। अल्लाह हाफिज़। हो जाएगा काम, हो जाएगा। हाँ अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हो? बड़े दिनों बाद फोन किया तुमने, सब खैरियत तो है ना? नहीं मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, इस वक्त कराची आई हुई हूँ तानी के घर। तानी दरअसल अमेरिका गई हुई है ना इसलिए। और तुम सुनाओ सब खैरियत तो है, क्यों परेशान हो? बेटे का तो रिजल्ट आना है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है, फेल हो जाएगा। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अच्छा फरा तुम ऐसा करो, मुझे अपने बेटे की ना सारी डिटेल्स भेज दो, मैं देखती हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका अच्छा रिजल्ट आए। हाँ ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, परेशान नहीं हो। अल्लाह हाफिज़। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल नहीं। अरे बोल, अरे बर्फी खाला, वो मैंने अभी आपसे जो बदतमीजी की थी ना उसके लिए माजरत चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए रोज का काम हो गया है, आदत पड़ गया है हमारा बेइज्जती का। आंटी आंटी हमारा मतलब है बोजी। वो एक बात बताइए,
आप मेरी फ्रेंड के बेटे को भी पास करवा सकते हैं क्या? अरे ये काम तो हम किसी का भी कर सकता है, बस चिल्ला खींचने में थोड़ा खर्चा होता है। वो प्रोफेसर साहब का मतलब है कि फीस लगेगी ना। अच्छा ये बताइए इसकी फीस कितनी होगी? आप बर्फी खाला 20,000 रुपए। 20 क्यों? ये हमारी बर्फी खाला है, इनकी इज्जत हमारी इज्जत, सबका काम रुक जाना चाहिए लेकिन बर्फी खाला का काम हो जाना चाहिए। समझ गया हो जाएगा। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। यूं ही आ जाइए। 20,000 ये भी आ गया। अरे यार हम तो सोच रहे हैं यही काम शुरू करते सब छोड़ के, हर महीने का आमदनी है। अरे हर महीने नहीं होता ये काम, साल में सिर्फ एक ही बार होता है। चलो सीजन का सीजन लगा लेगा, बाकी तो साल भर दूसरा काम तो हमारा चल ही रहा होता है। हाँ, मगर ये मंजन मुझे मत बेचना, अभी हमें बाहर जाना है प्रिंट वाले के पास, ताकि अखबार में तो छपा सके, वो काम भी तो करना जरूरी है। ठीक हाँ चले, 1 2 गो। अरे तुम तो बिल्कुल साइंसदान लगता है, अखबार लगी नहीं रहा के जाली है, बिल्कुल असली लग रहा है। अखबार जाली नहीं है, इसमें नतीजा जाली है। अच्छा तो अब करना क्या है? अब करना ये है कि अभी हमें जाके ना सारे घरों में ये अखबार डालने हैं। अभी पागल हो गया क्या, इस चक्कर में तुम हमको सुबह सुबह उठाया है? क्योंकि सबके उठने से पहले ये काम करना जरूरी था, इसीलिए उठाया। अब यहाँ खड़े होके वक्त जाया मत करो, जल्दी करो। सुबह उठते ही हमें और कोई जरूरी काम होता है, वो भी नहीं किया, पेट में। अरे चलो अभी अखबार डाल लें, जल्दी करो। एक बात हमको बताएगा गुलाब जामुन? गुलाब जामुन नहीं, लड्डू नाम है हमारा। अरे पता नहीं किसने लड्डू रख दिया, आला की शक्ल तो तुम्हारे पेड़ से मिलता है। मजा, जस्ट मजा। ये बताओ तुम्हारा घर में भी हमारी तरह लोग निश्चित है क्या, इतने देर में उठता है? बिल्कुल सही कहा, सब सोते रहते हैं देर तक, सिर्फ मैं और ससुर जी सुबह सुबह उठ जाते हैं, बहुत काम करना होता है ना। ससुर जी कोई नया जानवर आया है? अरे मेरी बीवी का जो बाप है वो मेरा ससुर है ना। अरे अच्छा, किधर गया वो? नाश्ते का सामान लाने के लिए आती हूँ। हाँ कैसी हो? अरे वाह ये तो बहुत खुशी खबर है, बहुत मुबारक हो भाई, माशाल्लाह। अब तो मिठाई बनती है जी। ओके अल्लाह हाफिज। भाई जाफर साहब आपने तो कमाल ही कर दिया। अरे कमाल कर नहीं दिया, कमाल हो गया 1 साल पहले, हमारे बेटे का नाम है कमाल। अरे तेरी की ये सुबह ही सुबह चूरन बेचने वाले भी आ गए। ससुर जी क्या कर रहे हैं? आप बताइए आप कहाँ थे गुलाम साहब? अखबार वाला आज अखबार डाल के नहीं गया तो मैंने सोचा चलो आज अखबार में खुद ही ले आता हूँ। आए अच्छा किया आप अखबार ले, बैठे जरा। ठीक है ठीक। मेरी दोस्त के बेटे का नंबर है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ देखें। एक मिनट में भाई बताएं, नंबर बताएं। 4632 4647 4634 तो 46 ही तो सीरीज ही नहीं है इसमें। अरे भाई ध्यान से देखें। अरे इसमें है ही नहीं भाई, देख लिया अच्छी तरीके से, इस टाइप का तो कोई नंबर ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मेरी उससे बात हुई है। हेलो क्या फेल हो गया है पुलिस? लेकिन क्यों, क्या अखबार जाली निकला? हेलो हेलो ये क्या मजाक है? अरे किसो बात कर रहा, हमारा आपका मजाक किधर है जो हम मजाक करेगा? ये मजाक नहीं है, ये दो नंबरी। हनी 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 कहाँ हो तुम, बाहर आओ। अरे क्या हो गया, तुम लोग इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? तुमने अच्छा नहीं किया ये हमारे साथ, हमारे घर किसी ने 2 नंबर न्यूज़पेपर फेंका है। बाबा कहते हैं हमारे घर तो न्यूज़पेपर आता ही नहीं है, उसने हमारे साथ जरूर कोई धोखा किया। लड्डू धोखा दिया तूने मुझे,
भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम भाई? इस इंटरनेट के दौर में घरों पे अखबार फेंक रहा है, वो भी दो नंबर। घर वालों ने इंटरनेट पे रिजल्ट चेक कर लिया है और इस दो नंबर अखबार की वजह से हमें इतना मार है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। बंगाली, तेरी इतनी हिम्मत? हमारा कसूर नहीं है बाजी, ये सब इसने हमको कहा था। मैंने कुछ नहीं किया। ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अरे बर्फी खाला, ये सरदार अमीर कबीर है। जंगलियों के? आप मुझे पुलिस में नौकरी दिला सकते हैं? पुलिस? पुलिस की नौकरी ऐसे मांग रहा है जैसे ड्रामे में काम मांग रहा है। सबसे भत्ता जमा करना शुरू करो। क्या भत्ता? अबे चलान करूंगा तुम लोगों का, मैं बता रहा हूँ, सीधी तरीके से दे दो। अबे ओ बावली फ्लैट, जाके अपना इलाज करवा। आज से मैं और तुम एक ही ओहदे पर। अरे मैं तुम्हारी तरह घर दमाद नहीं हूँ, समझे ना। आज के बाद हर एक को मैं शक की निगाह से देखूं। तो तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। गलगामा के गलगामा।